किशोरी जी का आश्रय लीजिए, बड़ी ही कृपालु हैं, दयालु। नारद जी के मन में एक बार विचार आया कि राधा रानी को सब करुणामयी कृपामयी कहते हैं, तो क्या ये सच में है? तो राधा रानी के मन में जलन प्रकट करने के लिए, ईर्ष्या प्रकट करने के लिए नारद जी ने क्या किया कि ना, इनकी सखी हैं ललिता और विशाखा, इनकी जो मुख्य सखी हैं वो हैं ललिता विशाखा, अष्ट सखियाँ हैं, इनमें सबसे मुख्य हैं ललिता और विशाखा। तो गोविंद झूले में झूल रहे थे, सावन का महीना आया महाराज, अब भगवान को झूले डाले जाएंगे, भगवान को झूले झुलाए जाएंगे। तो ऐसे ही प्रभु झूला झूल रहे थे, राधा रानी को आने में विलंब था, तो नारद जी इतने में प्रकट है गए और नारद जी ने कहा कि ललिता जी ये बताइए, राधा रानी तो है नहीं, क्या आपकी इच्छा नहीं होती कन्हैया के साथ झूला झूलने की? तो ललिता जी ने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं महाराज, हमारी किशोरी जी आती होंगी, उनके स्थान में बैठना क्या उचित है? बोले फिर भी मैं एक बार देखना चाहता हूँ आप कैसी लगती हैं भगवान के साथ। तो भगवान तो सबके हैं महाराज, लेकिन ललिता जी डर रही थी, बेचारी घबराई हुई थी, पर फिर भी किसी तरह बैठ गई भगवान के बगल में। अब जैसे ही बैठ गई तो आनंद मगन होकर के झूला झूलने लगी महाराज। नारद जी ने इतने में ही किनारा किया और सीधे पहुंच गए किशोरी जी के पास। आहा कितना आनंद है महाराज, कैसी जोड़ी है, दोनों झूले पर सवार हैं, राधा रानी आप भी देखेंगी तो देखती रह जाएंगी, ऐसी मनोहरम जोड़ी है। राधा रानी ने कही किसकी महाराज? बोले जा करके स्वयं देखिए कैसी जोड़ी है। राधा रानी गई और जब देखा तो राधा रानी यहाँ पर क्रोधित नहीं हुई, अति प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि कभी मेरी इन सखियों को मेरे गोविंद के साथ मेरे रहने में, इस स्थान में बैठने का मौका नहीं मिलता महाराज, आज पहली बार मेरी ललिता बैठी है। तो किशोरी जी बड़ी प्रसन्न हुई, विशाखा का हाथ पकड़ करके कहा कि तू भी बैठ जा बगल में, ऐसी छवि हृदय में बसा लूं, क्या सुंदर जोड़ी लग रही। तो वो है राधा रानी महाराज, जिन्होंने सुखदेव जी का हाथ पकड़ करके उस ब्रह्म के दर्शन कराए। गुरु अर्थात जो ब्रह्म से साक्षात्कार करा दे वो है गुरु। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने राधा रानी का नाम नहीं लिया, क्योंकि सुखदेव जी सुख के रूप में जब गोलोक धाम में रहते हैं तो ये राधा 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 करते रहते हैं, हर समय राधा राधा की धुन रहती। एक दिन राधा रानी को लगा कि ये जो सुख है बड़े सुंदर वाणी से बोलता है राधा राधा, तो क्यों ना इसे कृष्ण कृष्ण करवाया जाए। तो सुख को बुलाया और कहा कि सुख तू राधा नहीं कृष्ण कृष्ण जपा कर। अब महाराज वो कृष्ण कृष्ण जपने लगा तो गोविंद को ये बात अच्छी नहीं लगी कि राधा रानी सबको हमारा नाम बता देती हैं, सब हमारा ही नाम लेते हैं। तो इसलिए राधा रानी गोविंद के मन का भाव जान गई और उस सुख को उठाया और उठा करके भगवान के हाथों में दे दिया और कहा प्रभु आज से ये आपका, अब आप इसे जो चाहें वो कहलवा लें। तो यही सुख को सुखदेव जी महाराज को ब्रह्म से साक्षात्कार किसने कराया? राधा रानी ने। इसलिए राधा रानी इनकी गुरु हुई महाराज, उठा करके हाथ में किसने दिया? किशोरी जी ने। इसीलिए राधा रानी को ये अपना गुरु मानते हैं, जो ब्रह्म से मिला दे वही गुरु है, ब्रह्म से जो साक्षात्कार करा दे वही गुरु है। तो इस भाव से पार जाना है तो एक राधा रानी का नाम उच्चारण करते रहिए, उनका नाम गाते रहिए और गाते गाते आनंद से उन पर आश्रित होकर के जीवन को जिए। कहते हैं वृक्ष में बैठे हुए उस पंछी को रात्रि में सोते हुए भी वो परमात्मा उसे गिरने नहीं देता है, तो हम यदि उसके आश्रित हो जाएंगे तो क्या हमें गिरने देगा, भटकने देगा? जो पक्षी नित्य रात में वृक्ष पर सोता है भगवान उसे भी नहीं गिरने देते, सोए हुए पक्षी को भी संभाले रहते हैं, तो क्या हमें गिरने देंगे? बस एक बार उसके आश्रित हो जाना है, उसके चरणों में जाना है ब्रजवासियों की तरह महाराज। आज यही हुआ ना,